दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में बार बार समस्याएं आ जाती हैं? आपके मन में क्या विचार आता है कि सारी की सारी समस्याएं सिर्फ आप ही के पास आती हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये समस्याएं आपको हमेशा घेरी रहती हैं और आपको इन समस्याओं का कभी कोई हल नहीं मिलता? दोस्तों आज मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ, हो सकता है ये सुन के आपकी सारी समस्याएं का हल आपको मिल जाए और आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा परिवर्तन हो, थोड़ा सा चेंज हो या फिर पूरी बदल जाए। तो इस स्टोरी को जरूर सुनिएगा। दोस्तों सुनाने से पहले मेरी एक बात मानिए कि अगर आपको नहीं पता कि गलती कहाँ हो रही है तो एक बार अपने अंदर जरूर झांकिए। हो सकता है कि गलती आपसे हो रही हो, या तो आप ये सोच रहे हो कि भाई आपकी किस्मत खराब है। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने अंदर झांक के देखेंगे तो हो सकता है कि आप ही गलत चुनाव कर रहे हो। हमेशा अब तक आपने जितने भी चुनाव किए हैं अब तक सब गलत किए हैं। दोस्तों इस बात को समझाने के लिए मैं छोटी सी एक सक्सेस स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं कि एक औरत है जो 8-9 तलाक हो चुके हैं उसके, और हर बार शादी करने के बाद उसका नया तलाक हो जाता है कुछ दिनों बाद। तो एक बार उसको एक बुद्धिमान आदमी मिलता है और वो उसे पूछती है कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है कि जब भी मैं एक जीवन साथी के लिए अपना नया पति चुनती हूँ तो वो मुझसे वही गलती हो जाती है कि मैं पहले जैसा ही पति चुन लेती हूँ और फिर मेरा तलाक हो जाता है। फिर बार बार मैं अपना जब भी नया पति चुनती हूँ तो फिर से वही गलती होती है कि वो पुराने वाली कमियों वाला ही पति मैं चुन लेती हूँ और फिर हमारा तलाक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बुद्धिमान आदमी उससे एक ही सवाल करता है कि एक बार बताओ कि ये पति चुनने का काम करता कौन है, मतलब इसको सिलेक्ट कौन करता है? तो वो बोलती है कि मैं ही करती हूँ। तो वो बोलता है कि वो पति जो जितने भी आपने सिलेक्ट किए उनमें कोई भी खराबी नहीं है, खराबी आप में है कि आप उनको गलत तरीके से चुन रही हैं। तो उन्होंने सलाह दी कि आप एक काम कीजिए, आप किसी और को अधिकार दीजिए अपना पति चुनने के लिए, और एक बार देखिए उसके और उसकी मानिए और जो भी आपके लिए पति चुनता है उसके साथ शादी कीजिए। तो दोस्तों वो औरत सिर्फ वही करती है जो उस आदमी ने कहा और उसके बाद उसका कभी तलाक नहीं होता है। दोस्तों मैं इस स्टोरी से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि गलतियाँ कहीं ना कहीं हमसे ही होती हैं, हमारे अंदर ही। हम कभी ना कभी वो चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, हम हमेशा दूसरों में गलतियाँ ढूंढते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं वही गलती फिर से कर बैठते हैं जो हमें लगता है कि यार ये समस्या बन के हमारे पास फिर से आ जाती है। दोस्तों इस बात पर कविता जी ने भी कहा था कि बुरा ना देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मैंने दिल खोजा मुझसे बुरा ना कोई। मतलब अगर मैं इस दुनिया में बुराई ढूंढने गया तो मुझे कोई बुरा इंसान मिला ही नहीं, पर अगर जब मैंने अपने अंदर झांका तो मुझसे बुरा इंसान कोई मिला ही नहीं। तो दोस्तों इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि वही गलतियां आप बार बार दोहरा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि गलत सामने वाला नहीं है, गलत आप है, और आपको इस बार वो गलती वापस नहीं करनी। दोस्तों एक बार अगर आप अपनी अंदर की गलतियों को नहीं पहचान पा रहे हैं तो अपने कोई खास बंदे से बात कीजिए और उसे बोलिए कि आप में वो कमियां ढूंढ के उसको बताएं जो शायद आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और उस पर मेहनत करके उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो ये वीडियो सुनने के लिए और मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह कोशिश ये रहेगी कि हर दिन आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहूँ। और इस वीडियो को अगर आपने लाइक किया है तो दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और दोस्तों नहीं लाइक किया है ना तो भी दिल से ही बोलूँगा थैंक्स, और सब्सक्राइब किया तो भी थैंक्स बोलना चाहूँगा, और नहीं किया दोस्तों तो भी थैंक्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो भी काम करें दिल से करें। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। Download mobile free repairing Android apps. Link in description.